Hello everyone, my name is Rishi Malik. I hope you all are doing very well in your life and welcome back to my channel. And आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ tax saving के बारे में. Exactly बहुत से investors ये पूछते हैं कि अगर मैं 10,000, 15,000 या 12,500 या 5,000 रुपए invest कर रहा हूँ तो उस case में throughout the 5 year, 10 year और 20 year अगर एक मैं plan लेता हूँ तो उसमें मेरा कितना tax save हो जाता है. तो उसके बारे में पहले तो आप सभी को बताऊंगा और उसी के साथ साथ आपको example से समझाऊंगा कि अगर आप एक 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए तो उस केस में आपका कितना टैक्स सेव हो जाता है थ्रू आउट द पॉलिसी टाइम. तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसीज एंड योर टर्म इंश्योरेंस प्लान. तो सबसे पहले आपको आपका सेलेक्ट एनुअल इनकम करना है. 15 लाख है, 10 लाख है, 7 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है या 3 लाख बिलो है, ये आपको सेलेक्ट करना है. और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स स्लैब. अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये से कम है तो उस केस में 1 रुपया भी आपका टैक्स नहीं जाएगा. अगर 2,50,000 से 5 लाख के इन बिटवीन है तो 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब हुआ 12,500 रुपए. इनकेस अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के इन बिटवीन आती है तो 12,500 प्लस 20% आपका टोटल टैक्स जाएगा अगर आपकी इनकम इन बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख रुपीज है. उसी के साथ अगर आपकी इनकम अबव 10 लाख रुपए है तो उस केस में टोटल जो आपका टैक्स जाएगा 1,12,500 प्लस 30% जो आपका टोटल टैक्स जाएगा क्योंकि आपकी इनकम बहुत ज्यादा बड़ी है. अब एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझना कि अगर मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 5 साल के लिए. एग्जाम्पल मैंने लिया है, लेट सपोज यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज पर मंथ, देन हाउ मच टैक्स यू कैन सेव एज पर टैक्स स्लैब 2,50,000 to 5 लाख रुपीज. मतलब अगर मैं आज की डेट में इनकम कमा रहा हूँ 2.5 लाख से 5 लाख के इन बिटवीन तो उस केस में मैं कितनी टैक्स सेविंग कर लूंगा अगर मैं 10,000 रुपये पर महीना इन्वेस्ट कर रहा हूँ. 10,000 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ 12 महीने के हिसाब से मंथली मोड से 1,20,000 रुपये की टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है. ईयरली मोड पे अगर मैं पहले स्लैब के हिसाब से निकालता हूँ तो 1,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 6,000 रुपये मेरा टोटल हुआ. अब टोटल 6,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे 4% सेस भी देना पड़ता है एजुकेशन के हिसाब से. तो 6,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, 240, 6,000 प्लस 240 इज इक्वल टू 6,240 रुपये. एक साल का आप टैक्स सेव कर रहे हो अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो आने वाले 5 सालों के लिए. और 5 साल के लिए अगर आप जाते हो तो 6,240 इंटू 5 इज इक्वल टू 31,200 रुपए का टोटल अमाउंट आप सेव कर लोगे 5 साल के अंदर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट दिखाते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. इवन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो उस केस में भी आप इस टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं 10,000 रुपए पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपकी इनकम जो है वो 2,50,000 से 5 लाख के इन बिटवीन है. बेसिकली ये जो मैंने आपको दिखाया है ये हर एक ईयर वाइज के हिसाब से दिखाया है. ईयरली अगर देखते हो तो 6,240 रुपए है, अगर आप देखते हो 5 साल का तो 31,200 रुपए. इसी को अगर आप बढ़ाते हो 5 की जगह 10 कर लेते हो या 15 कर लेते हो या 20 कर लेते हो तो उसके मुताबिक आप कैलकुलेशन कर सकते हो. बट जो ये टैक्स स्लैब मैंने लिया है वो 2.5 लाख से 5 लाख का लिया है. अगर ये चेंज होगा तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन जो है वो भी पूरी की पूरी थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है कि अगर 5 लाख से 10 लाख करते हैं तो उस केस में 12,500 इंटू प्लस 20% और उसी के साथ आपकी इनकम आपको यहां से सेलेक्ट करनी है. तो जैसे आप सभी ने देखा पूरा कैलकुलेशन, वहां पर मैंने मेंशन किया हुआ था एनुअल इनकम एंड टैक्स स्लैब भी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर को पता नहीं होता है एज अकॉर्डिंग टू अपडेटेड टैक्स स्लैब कि 5% जाता है 2.5 से 5 लाख के इन बिटवीन. अगर हमारी इनकम 5 से 10 लाख है तो उस केस में 20% हो चुका है और 10 लाख से अबव है तो 30% भी पे करना पड़ता है. और उसी के साथ मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से करते हो 5 साल के लिए और अगर आपका टैक्स स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख के इन बिटवीन तो उस केस में उन 5 सालों में आप कितना टैक्स सेव कर लोगे. मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि अगर मैं 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 या 12,500 इन्वेस्ट
करता हूं तो उस केस में मेरा कितना टैक्स हो जाएगा आने वाले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में या ELSS प्लान के अंदर। तो अगर आपको वीडियो देखकर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में तो प्लीज पहले तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, और उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है, कैलकुलेशन पूरी समझ आ गई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर रीविजिटिंग टू माई चैनल। ऐसे ही आप बने रहिए, मैं आपके लिए और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज बनाता रहूंगा, और उसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी मैं आपको एक रेगुलर व्लॉग देता रहूंगा जिससे आप एंटरटेन भी होते रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम दोस्तों।